बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो कॉफ़ी से रिलेटेड है और बहुत सारी किस्म की कॉफ़ी होती है, हम पीते हैं, शौक से पीते हैं। हम दुनिया में जिस कोने में भी आप जाएं, वहाँ सबसे ज़्यादा पीने जाने वाली जो मशरूबात हैं उनमें कॉफ़ी और चाय जो है वो पहले नंबर पर आती है। और यहाँ मैं आपके साथ एक और अच्छी ज़बरदस्त सी फ्रेंच वनीला कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए चाहिए एक कप, और कप प्यारा सा ले लीजिएगा, और 1 टीस्पून मैंने इसमें कॉफ़ी ऐड कर दी है। अच्छा, आप लोगों ने मिक्सचर को इसी तरह, मतलब अगर आपने ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है तो आप इसको बढ़ाते जाइए। मैंने थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग, मुझे नहीं कॉफ़ी चाहिए थी क्योंकि ये वनीला फ्लेवर में होती है, तो इसको मैंने इतना ही रहने दिया है ताकि ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है। अच्छा, शुगर भी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें आप शुगर अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो शुगर ज़्यादा ऐड कर दें। अब जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, इनको हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने से पहले एक काम हमने और कर लेना है, वो क्या है? वो है 1 या 2 टीस्पून मैं इसमें गर्म पानी ऐड कर लूँगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना हम लोगों ने, और मैंने गर्म पानी ऐड किया है ताकि हमें जो कॉफ़ी है उसको और चीनी को जो है ना वो मिक्स करना है। घोल लेंगे तो इसके अंदर ये ग्रैनुल्स ना रह जाए, हमें प्लेन कॉफ़ी चाहिए। और क्योंकि मेरे पास कॉफ़ी पाउडर नहीं था, ये ग्रैनुल्स वाली कॉफ़ी थी, दानेदार जो कॉफ़ी होती है, तो मैंने वही ऐड की है। अब हम इसको ना थोड़ी देर मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा सा गर्म लीजिए ताकि वो जल्दी से हो जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनती है, बहुत यमी डिलीशियस, और जितने भी आप नाम कह सकते हैं वो बनते हैं। और बनने के बाद इसको ज़रूर 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 आप बनाया करेंगे। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा तो आपको लगेगी कि इसको भी ट्राई करना चाहिए, और बिल्कुल टाइम नहीं लगता। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद जो हम नेक्स्ट काम करेंगे ना, ये देखिए मैंने थोड़ा सा उसको ना उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी फ्लफ़ी फ्लफ़ी की है, मतलब मुझे थोड़ी सी ना क्रीमी क्रीमी चाहिए थी, और मैंने उसको दोबारा से उसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। आप भी फेंट सकते हैं इससे ज़्यादा, अगर इसको फ्लफ़ी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिल सके। तो अब हम इसमें जो नेक्स्ट काम करेंगे वो ये करेंगे कि हमें चाहिए एक जग, और उस जग के अंदर हम अपना 1 कप ऐड कर लेंगे मिल्क। और मिल्क यहाँ चिल्ड मिल्क है, ये गरम इसमें मैं दूध ऐड नहीं कर रही, ये चिल्ड मिल्क है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा मतलब आइसी अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आइस ज़्यादा नहीं चाहिए थी। और ये जो अब मेन इंग्रेडिएंट इसका इसके अंदर जाएगा ना, वो कंडेंस मिल्क का है। कंडेंस मिल्क यहाँ मैंने लिया है 2 टीस्पून, और आप ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क से इससे बहुत अच्छा सा एक फ़्लेवर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। एक मतलब ना जो टेस्ट हमें चाहिए वो ये डेवलप करेगा। साफ वनीला एसेंस 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी क्योंकि हमारी कॉफ़ी ही वनीला पे बेस करती है। तो अब जो मिक्सचर हमने वो फ्लफ़ी सा बनाया था ना, मैंने जो चीज़ें अलग दूध में डाली हैं उनको हम ग्राइंड अच्छी तरह से कर लेंगे, और शेक करने के बाद हमने जो मिक्सचर कॉफ़ी का बनाया था उसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे। ये देखिए मैं ऐड कर ली हूँ। इसके ऊपर ना काफ़ी सी दूध को शेक करने से झाग आ गई थी बहुत, और साथ क्योंकि हमने इसमें वनीला एसेंस और वो भी डाला था, तो मैंने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड कर ली हैं। ये देखें, बिल्कुल सिंपल और झटपट रेडी होने वाली, 2 से 3 मिनट लगते हैं बिल्कुल, और ये आपकी कॉफ़ी रेडी हो जाती है। मैंने उसको थोड़ा सा फ्लफ़ी इसलिए किया था ताकि थोड़ा सा ना खुशबू, जब हम कॉफ़ी को फेंट लेते हैं तो कॉफ़ी से बहुत अच्छी सी ये खुशबू आती है, तो उससे मज़ा कॉफ़ी का दुबाला हो जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा।